अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ इजाज़ और आप देख रहे हैं दिस नॉर्च टिप चैनल। तो गाइस रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है और आज हम लेक्चर नंबर 38 में बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, जितने भी हमारे पास मौजूद हैं। तो गाइस मेथड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिसर्च, ठीक है, फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स या मेथड कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड है, सर्वे मेथड है और एक्सपेरिमेंटल मेथड है, मगर यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है, इसको हम मजीद क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो गाइज ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है कि इट इज़ द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हमारे जो हम अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए इसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे कि इट इज़ द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर्स ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रेलेवेंट पीपल एक्शन सिचुएशन या विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइमरी डेटा तो कलेक्ट करते हैं, मगर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करता है लोगों को जो हमारे टारगेटेड लोग हैं रिसर्च के लिए, तो उनके एक्शंस जो हैं, एटीट्यूड जो है, बिलीफ जो है, वो ऑब्जर्व करता है, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है, उनसे पूछता नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो यहाँ पे मगर कुछ लिमिटेशन आई, ठीक है, मतलब कि फीलिंग बिलीफ एंड एटीट्यूड से हम लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे लिमिटेशंस की वजह से, ड्यू टू दिस लिमिटेशन, हमारे पास क्या आया, सर्वे मेथड, ठीक है। तो सर्वे मेथड में हम एक मतलब देखते हैं, क्वेश्चनियर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोगों को देखते हैं, उनसे डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो लेते हैं। तो दिस अप्रोच इज़ मोस्टली सूटेड फॉर गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हमें मजीद डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम सर्वे मैथड को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वेज में भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि आप यूज़ फॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क टू ऑल रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आप क्या कर लेते हैं, सारे बंदों से जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है, मतलब एक पेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा, जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है, ठीक है, जो मतलब पीपल हम कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, तो जब वो इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, उनको गाइड करेगा, तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड सर्वेस कहेंगे। अब इसी तरह हमारे पास सर्वे जो है हमारे पास कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या है कि द रिसर्चर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट द बिहेवियर एंड थॉट्स, ठीक है, डायरेक्टली उनसे पूछा जाता है, मतलब जो टारगेटेड पीपल है तो उनसे पूछा जाता है, व्हाई डोंट यू यूज़ एजाइल मेथोडोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है आस्क करते हैं, मतलब पूछते हैं कि आप क्यों नहीं, मतलब एजाइल मेथोडोलॉजी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, आप एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो क्यों नहीं यूज़ करते, कोई और मेथोडोलॉजी यूज़ करें, ठीक है, या मेथोडोलॉजीज जो हैं मतलब बहुत सारी हैं, तो आप एजाइल को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, या क्यों नहीं यूज़ करते, तो ये डायरेक्टली हम आस्क करते हैं, तो इसको डायरेक्ट अप्रोच कहेंगे। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है कि द रिसर्चर माइट आस्क, ठीक है, मैं भी वो ऐसी बात करें कि व्हाट लेवल ऑफ पीपल प्रेफर एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है, मतलब एक्सपर्टाइज लोग जो है एजाइल को यूज़ करते हैं, या इसी तरह जो नावी पीपल है वो एजाइल को यूज़ करते हैं, तो वो मैं आस्क, ठीक है, माइट आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस हम पर्सनल इंटरव्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू में हम डायरेक्टली जो रिस्पॉन्डेंट है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और उसके साथ डायरेक्टली बात हम करते हैं, तो इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड इंटरव्यूज कैन ईजली क्लैरिफाई डिफिकल्ट क्वेश्चन टू रिस्पॉन्डिंग, तो सिंपल सी बात है, कैन बी कंडक्टेड इंडिविजुअली, ठीक है, इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग, ठीक है, इन द ग्रुप, तो या ये हम ग्रुप में भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पर्सनली मतलब वन टू वन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके इंटरव्यूअर जो हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो अगर ट्रेंड है तो वो मुख्तलिफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर भी उनसे निकाल सकते हैं। तो अब गाइस फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग, ठीक है, तो फोकस ग्रुप क्या होता है कि रैपिडली, ठीक है, बिकम वन ऑफ द मेजर रिसर्च टूल टू अंडरस्टैंड पीपल थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप में क्या करते हैं कि बहुत से लोगों को बिठाते हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सबसे पूछा जाता है, यूजुअली कंडक्टेड बाय
inviting 6 to 10 people to gather a few hours, ठीक है, with the trained moderator to talk about the topic of interest, ठीक है. तो जो हमारा topic है, research topic है, तो उन सब से पूछा जाता है, मुख्तलिफ question जो है directly पूछे जाते हैं, ठीक है. तो ये more focused है. अब यहाँ पर mail questionnaires, ठीक है, मतलब हम questionnaires को mail कर लेते हैं. तो can be used to collect large amount of information at the low cost per respondent, ठीक है. low cost का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा effort जो है वो नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम क्वेश्चन है जो है उनको सेंड कर लेते हैं और हमें वो फिल करके वापस दे देता है, ठीक है. तो रिस्पोंडेंट मे गिव मोर हॉनेस्ट आंसर टू द पर्सनल क्वेश्चन ऑन अ मेल क्वेश्चन है, ठीक है. तो मैं मतलब अगर आप क्वेश्चन है उनको सेंड करते हैं तो उनके पास टाइम होगा, ठीक है, वो सोच के आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मैं इट मे बी गुड, ठीक है, क्वेश्चन है मे बी गुड, ठीक है. अब यहाँ पर जो हमारे पास लिमिटेशन है इसके क्वेश्चन है इसके, तो वो रिमूव हो जाते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू से, ठीक है. तो वो किस तरह क्विक मेथड है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल है, इज इंटरव्यूअर कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नॉट अंडरस्टूड बाय द रिस्पोंडेंट, ठीक है. तो मोर फ्लेक्सिबल इसी तरह है कि मतलब डायरेक्टली आप बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास कि जितने भी लोग हैं आप इंटरव्यू जो हैं वो डायरेक्टली उनसे बात करेगा. Depending on the respondent answer, they can skip some questions and probe more on other, ठीक है. तो यहाँ पे guys मिसाल के तौर पर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर एक question पूछता हूँ तो यहाँ पे correlation है, मतलब कि दो तीन और question अगर मेरे जहन में है तो उनका answer मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये मुझे answer provide कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है. तो इस वजह से मैं question जो है वो change करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है. तो response rate जो है tends to be higher than male, ठीक है. तो male questionnaire ये बेसिकली हायर है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम बात करते हैं उन बंदे से, ठीक है. अब गाइस बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आल्सो कॉल्ड एम्पेरिकल रिसर्च और काज एंड इफेक्ट मेथड, ठीक है. तो इसको एम्पेरिकल मेथड भी कहा जाता है, काज इफेक्ट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द डेटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद अ कंक्लूजन, ठीक है, विच कैन बी वेरीफाइड विद ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो अब गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स, कुछ डेटा को हम क्या करते हैं आपस में इंट्रैक्शन जो है उनकी कराते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसमें एक मेथड जो है वो रहता है, मतलब क्वेश्चनेयर का मेथड, तो वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, उसके कुछ टाइप्स भी है, तो वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे. तो गाइज तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. खुदा हाफिज़.